like a Hellcat. Hey, what is up everyone, Apo here, coming back again with another Clash of Clans video. Guys, आज हम बहुत ही interesting video बनाने वाले हैं जो कि है Clash of Clans troops की race. इसमें heroes भी हैं, बस हमने super troops में नए लिए हैं, पुराने वाले super troops नहीं लिए क्योंकि थोड़ा सा problem आ रहा था उसके use में. लेकिन फिर भी I know sneaky goblin है और जो race barbarian है वो थोड़ा सा effective हो सकते थे race में, but हम नहीं use कर पाए तो उसके लिए sorry. लेकिन हमने बाकी सारे ट्रूप्स यूज़ किए हैं, इवन हीरोज़ भी यूज़ करे हैं, तो आपको ये पसंद आने वाली है वीडियो. और ये देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है हमारा, उसका ये तीन ट्रैक्स हैं और ये तीन कंपार्टमेंट है. इन कंपार्टमेंट के जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें हम ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे और उन ट्रूप्स को सबसे पहले जो भी एलेक्सर स्टोरेज के पास पहुँचता है वो विनर होगा. और थोड़ा सा ये इशू आ रहा था बीच बीच में क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा पूरा बेस है, यहाँ पर हमारे बाकी के सारे बिल्डिंग्स हैं और डिफेंस हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कभार भटक रहे थे, थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा ली थी हमारे ट्रूप्स ने, तो इधर उधर भाग जाते हैं, क्या कर सकते हैं. लेकिन हमने काफ़ी टेक्स, दो चार टेक्स लेकर काफ़ी बार ऐसा किया है सो दैट हमारा कोई भी ट्रूप है डिस्क्वालीफाई ना, वो सीधा ही भागे. इक्का दुक्का ऐसा हो सकता है, वरना कोई नहीं होगा, पूरी फेयर रेस होने वाली है ये. तो होप ये आपको पसंद आई होगी, बहुत एफर्ट लगा है तो होपफुली ये थोड़ी वर्दी होगी उस हिसाब से जितनी मेहनत करी है. तो गाइज, जो हमारी सबसे पहली रेस होगी वो होगी बारबेरियन आर्चर और जाइंट के बीच में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमने डिप्लॉय किया बारबेरियन आर्चर और जाइंट, यहाँ पर बहुत ही क्लोज चलता हुआ बारबेरियन और आर्चर के बीच में, और आर्चर ने लीड लेते हुए ये सबसे पहले आर्चर पहुँच चुकी है. बारबेरियन भी ये पहुँच गया, बारबेरियन सेकेंड आया और जाइंट अभी भी पार्क में घूमते हुए, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा स्लो है हमारे जाइंट, और ये फाइनली उन्होंने भी पहुंच गए हैं. तो इस बैटल के जो विनर है वो है हमारी आर्चर. तो गाइस, जो अगली रेस है वो होने वाली है बलून, वॉल ब्रेकर और गॉब्लिन के बीच में. तो लेट्स सी कौन ये रेस जीतने वाला है. यहाँ पर हमने बलून डिप्लॉय किया, वॉल ब्रेकर फूट भी गया है और गॉब्लिन को देखिए कितनी चीते की रफ्तार से एलिक्सर स्टोरेज के पास पहुंचता हुआ, और ये हमारे चिंदी चोर पहुंच भी गए. इस राउंड के जो विनर है वो है गॉब्लिन, और हमारे बलून अभी भी स्लो मोशन में आते हुए और पहुंचने वाले हैं, और ये पहुंच गए फाइनली, हमारे बलून भी पहुंच गए. ये रेस के विनर हमारे चिंदीचोर गॉब्लिन. तो गाइस, जो नेक्स्ट रेस है वो हमारी होने वाली है ड्रैगन, विजार्ड और हीलर के बीच में. तो लेट्स सी कि कौन ये रेस जीतता है. यहाँ पे ड्रैगन डिप्लॉय किया, विज डिप्लॉय किया और पीछे हीलर, हीलर लग चुकी है हमारे विजार्ड के पीछे, और देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज चल रहा है और ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन यहाँ पर जीतेगा. दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पहुँचे हैं. तो गाइज, एक बार हमें ये स्लो मोशन में देखना पड़ेगा फिर से, और लेट्स सी कि कैसे ये अटैक हुआ है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों पहुँचे और जो हमारा सबसे पहले अटैक किया है वो हमारे ड्रैगन ने किया है. तो हम यहाँ पर ड्रैगन को विक्ट्री देते हुए इसे आगे क्वालिफाई करते हैं. सो द विनर ऑफ दिस बैटल इज ड्रैगन. तो गाइस, जो हमारी फोर्थ रेस है वो होगी पेका, माइनर और बेबी ड्रैगन के बीच में. तो लेट्स सी कि कौन ये रेस जीतता है. बेबी, माइनर और पेका तीनों डिप्लॉय कर दिया, और ये देखिए हमारी जेसीबी की तो खुदाई है कितनी तेज़ी से बढ़ती हुई आगे, और ये माइनर ऑलरेडी पहुंच भी चुके हैं एलिक्सर स्टोरेज के पास. बेबी ड्रैगन सेकंड आया और पेका फाइनली अब जाके पहुंची है. तो इस बैटल की जो इस रेस की विनर है वो है हमारा माइनर. तो हमारी जो फिफ्थ रेस है वो है इलेक्ट्रो ड्रैगन, मिनियन और यटी के बीच में. तो लेट्स सी कि कौन जीतता है ये रेस. यहाँ पर डिप्लॉय किया ईडी, मिनियन और येटी, और देख सकते हैं आप मिनियन ने तेज़ी पकड़ी हुई, यहाँ पर चीते की रफ्तार से ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, और हमारी इस रेस के विनर आ चुके हैं मिनियन. इलेक्ट्रो ड्रैगन और येटी अभी भी स्ट्रगल करते हुए, तो लेट्स सी कि कौन सेकंड और थर्ड आता है. यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन सेकेंड आया और यहाँ पर येटी थर्ड आया. तो इस बैटल का जो विनर है वो है हमारा मिनियन, और मिनियन अगले राउंड में क्वालिफाई करते हुए. तो गाइज, हमारी सिक्स्थ रेस होगी हॉग, वैल्करी और गोलम के बीच में. तो लेट्स सी कि कौन ये रेस जीतता है. यहाँ पे डिप्लॉय किया हॉग, वैल्करी और गोलम. हॉग और वैल्करी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, दोनों में काफ़ी क्लोज मैच चलता हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे विनर है हॉग.
यहाँ पर और वो मर भी चुके हैं। वेलकरी सेकंड आई है लेकिन गोलम अभी भी स्ट्रगल करते हुए स्लोली स्लोली आ रहे हैं कछुए की चाल में और ये फाइनली पहुँच गए। लेकिन इस रेस के जो विनर है वो है हमारी वेलकरी। तो गाइस सेवेंथ रेस हमारे होने वाली है विच बोलर और लावा हाउंड के बीच में। तो लेट्स सी कि कौन ये रेस जीतता है। विच डिप्लॉय करी है, बोलर डिप्लॉय किया है लावा। लावा ने स्टार्टिंग से ही स्पीड पकड़ के रखी है, सबसे आगे जाते हो। लेकिन उधर देखिए लैरीज जो चुड़ैल के बच्चे हैं वो ऑलरेडी पहुंच भी गए हैं एंड लावा अब पहुंचा है। तो द विनर इज विच एंड थर्ड आते हुए यहाँ पर बोलर। हार्ड लक लावा हाउंड, डिजर्व तो करता था लेकिन चुड़ैल गेम खेल गई एंड The winner of this round is Witch and she is qualified for the next round. तो गाइज जो हमारी एट्थ रेस है वो हीरोज के बीच में होने वाली है, बारबेरियन किंग, ग्रैंड वार्डन और आर्चर क्वीन के बीच में। तो लेट्स फाइंड आउट। बारबेरियन किंग डिप्लॉय किया, आर्चर क्वीन और ग्रैंड वार्डन। यहाँ पर आर्चर क्वीन सबसे आगे जाती हुई, यहाँ पर डीजे वाले बाबू ने ट्रैक चेंज कर दिया तो डिस्क्वालीफाई हो गए और आर्चर क्वीन जीत चुकी है। बारबेरियन किंग अब जाके सेकंड आते हुए और ये देखिए हमारे मस्त मौला डीजे वाले बाबू देखिए कहाँ तारामंडल पे देखते हुए अटैक करते हैं लेकिन डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो अब हम अगली रेस में डीजे वाले बाबू जो हमारे ग्रैंड वार्डन है इनकी जगह हम रॉयल चैंपियन को लेकर आएंगे और लेट्स फाइंड आउट कि इन तीनों हीरोज में से कौन जीतता है। तो यहाँ पर रॉयल चैंपियन बारबेरियन किंग और आर्चर क्वीन डिप्लॉय कर दी है मटकते हुए। यहाँ पर रॉयल चैंपियन सबसे आगे निकलती हुई, आर्चर क्वीन भी सेकंड आती हुई यहाँ पर और ये जीत चुकी है रॉयल चैंपियन। आर्चर क्वीन सेकंड और हमारे स्लो मोशन बारबेरियन किंग थर्ड आते हुए। सो द विनर ऑफ दिस राउंड इज रॉयल चैंपियन एंड शी इज क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो गाइस जो नाइन्थ रेस होने वाली है हमारी वो होने वाली है आइस गोलम, इन्फर्नो ड्रैगन और हेड हंटर के बीच में। गाइज हम एक अटैक के अंदर दो सुपर ट्रूप्स यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से इस रेस के अंदर सुपर विच नहीं है लेकिन वो नेक्स्ट रेस में होगी तो बने रहिएगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि कौन ये रेस जीतता है। गोलम, आइस गोलम, हेड हंटर और इन्फर्नो तीनों डिप्लॉय करती हैं और ये हेड हंटर इन्फर्नो काफ़ी अच्छा स्पीड में ये घूमते हुए थोड़ी सी स्लो हो गई लेकिन हेड हंटर हमारी विनर है। सेकंड आया है हमारे इन्फर्नो ड्रैगन और ये हमारे कछुए की चाल वाले आइस गोलम आते हुए यहाँ पर थर्ड। तो इस राउंड के जो विनर है वो है हमारा हेड हंटर और ये अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गई है। तो गाइज जो लास्ट रेस है हमारी इस राउंड की वो होने वाली है बेबी ड्रैगन, हेड हंटर और सुपर विच के बीच में। आई नो बेबी ड्रैगन ऑलरेडी रेस हार चुका है लेकिन हम बच्चा समझ के चलिए एक और चांस दे देते हैं इसे इन्फर्नो ड्रैगन की जगह। सो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ हेड हंटर डिप्लॉय किया बेबी ड्रैगन और सुपर विच में थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन वो देखिए हमारी जो हेड हंटर है कितनी तेजी से भागती हुई जा रही है zigzag करके लेकिन ऑलरेडी जीत चुकी है हमारी हेड हंटर। बेबी ड्रैगन सेकंड आता हुआ और ये देखिए सुपर विच का बच्चा देखिए मुस्टंडा कैसे मून वॉक करता हुआ चल रहा है और ये देखिए स्लो मोशन में हम ये ज़रूर दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप स्लो मोशन में कितना तगड़ा लग रहा है ये मून वॉक करता हुआ। लेकिन जो इस आखिरी रेस की जो विनर है वो है हमारी हेड हंटर। सो हेड हंटर भी पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। तो गाइज हमारा जो सेमीफाइनल है वो होने वाला है पहला मैच आर्चर, गॉब्लिन और ड्रैगन के बीच में, दूसरा सेमीफाइनल होगा विच, मिनियन और हॉक के बीच में और जो तीसरा सेमीफाइनल है वो होने वाला है माइनर, रॉयल चैंपियन और हेड हंटर के बीच में। सो लेट्स फाइंड आउट। जो पहला सेमीफाइनल होने वाला है हमारा वो आर्चर, गॉब्लिन और ड्रैगन के बीच में होने वाला है। तो देख सकते हैं आप ड्रैगन, गॉब्लिन और आर्चर डिप्लॉय कर दिया और ये देखिए हमारा जो गॉब्लिन है कितनी तेज़ी से भागता हुआ यहाँ पर फर्स्ट आता हुआ चिंदी चोर हमारा, सेकंड हमारी आर्चर और ड्रैगन हमारा लेट हो गया है इस बार थर्ड आता हुआ। तो गॉब्लिन हमारा जो चिंदी चोर है वो पहला फाइनलिस्ट बनता हुआ हमारा इस क्लैश ऑफ क्लैंस ट्रूप रेस के अंदर। तो गाइस जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है वो होने वाला है हॉग, मिनियन और विच के बीच में। तो लेट्स फाइंड आउट कि कौन सा ट्रूप है जो फाइनल में पहुंचता है। यहाँ डिप्लॉय किया हॉग, मिनियन और विच और देख सकते हैं आप मिनियन ने स्टार्टिंग में ही पकड़ बना ली है बहुत ही आगे जाती हुई। हॉग राइडर यहाँ पर सेकंड आते हुए और इस बार चुड़ैल के बच्चों ने भाई साथ नहीं दिया, धोखा हो गया इस बार। लेकिन हमारी जो मिनियन है वो इस सेमीफाइनल की विनर है और हमारा मिनियन पहुँच चुका है फाइनल में। तो गाइस जो हमारा आखिरी सेमीफाइनल है वो होने वाला है माइनर, हेड हंटर और रॉयल चैंपियन के बीच में। तो लेट्स फाइंड आउट कौन जीतता है।
यहाँ डिप्लॉय करा रॉयल चैंपियन माइनर और हेड हंटर थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये देख सकते हैं जेसीबी की खुदाई करता हुआ माइनर कितनी जल्दी यहाँ पर पहुंच गया फिनिशिंग लाइन पर। रॉयल चैंपियन सेकंड आता हुआ और हमारी हेड हंटर डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि ट्रैक से भटक गई थी। तो हमारा माइनर पहुंच चुका है फाइनल में। तो गाइज हमारे जो फाइनलिस्ट हैं वो है गॉबलिन, माइनर और मिनियन। तो लेट्स फाइंड आउट कौन इस साल का विनर होता है 2020 का बेस्ट फास्टेस्ट ट्रूप जो है अभी तक का। तो मिनियन डिप्लॉय किया माइनर और गॉबलिन, और ये देखिए बहुत ही क्लोज मैच चल रहा है मिनियन और माइनर के बीच में, और ये मिनियन पहले पहुंचा है, माइनर सेकंड और हमारे चिंदी चोर गॉबलिन थर्ड। तो हमारा जो क्लैश ऑफ क्लैंस 2020 का विनर है वो है मिनियन। सो गाइस स्पेशल थैंक्स टू हमारे एसगार्डियन के रक्षक मिहिर द थॉर के लिए, और 3-स्टार अटैकर हमारे पांडे जी के लिए, और जो ओपोनेंट का मूड ख़राब कर देते हैं हमारे मूडी के लिए, जिनकी वजह से ये वीडियो बन पाई है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर हेल्प, वरना ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो गाइज़ जो अभी आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है आप इस पर भी क्लिक कर जा सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्लैश ऑफ क्लैंस पैरोडी फीचरिंग वंडर वुमन। होपफुली आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, दिस इज़ अपो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।